नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। जिले में स्वाइन फ्लू से सैकड़ों जानवरों की मौत हो चुकी है। समाज का बसोर समुदाय इस पेशे से जुड़ा हुआ है, जिसे भारी क्षति पहुंची है। बसोर समाज का पुश्तैनी कार्य बांस के बर्तन बनाना और बर्तनों को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करना था, लेकिन विगत कई वर्षों से शासन की ओर से बांस उपलब्ध ना कराने के चलते यह काम बंद हो चुका है, जिसके चलते इस समाज के लोग बेरोजगारी और भुखमरी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बसोर समाज के पास दूसरा व्यवसाय सुअर पालन था, लेकिन अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी के कारण अधिकांश जानवरों की मौत हो चुकी है। इसके चलते इस समाज के सामने अपने परिवार के भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो गया है। सैकड़ों की संख्या में सुअर मर रहे हैं, जिसकी वजह से इस समुदाय के लोग भारी परेशानी से जूझ रहे हैं। ये हमारे प्रदीप कुमार बसोर समस्या सर, हमारे सारे सुअर मारे गए, कुछ शासन प्रशासन ने मरवा दिया, कुछ बीमारी से मर गए। तो हमारी मांग है कि हमारे सारे समाज को मुआवजा दिया जाए और बांस उपलब्ध कराया जाए, रोजी रोटी का जरिया बताया जाए। धन्यवाद। कम से कम एक सुअर का 15,000 रुपये चाहिए सर। ये बसोर समाज जो सबसे दबा कुचला समाज आज है और हिंदू समाज से बिलोंग करता है, देश में हिंदूवादी सरकार बैठी है और अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बहाने इनके सारे जानवर सुअर मार दिए गए, इनके पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं बचा है। इनके पास पहले बांस उपलब्ध हो जाते थे, जिसके चलते ये बर्तन टोकरी बना करके बेचने का काम करते थे, परिवार चलाते थे, और हजारों सुअर इनके मार दिए गए, स्वाइन फ्लू बीमारी से मर गए, लेकिन सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया। ये इनकी खेती है। जिस तरह से किसान को आपदा पर मुआवजा दिया जाता है, तो संयुक्त किसान मोर्चे की मांग है कि इनको भी प्रत्येक मृत सुअर के बदले 10,000 से अधिक का मुआवजा दिया जाए, और जो भी वेटनरी विभाग के लोग हैं जिनको सुअरों का इलाज करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया, लापरवाही किया है, उनके खिलाफ़ FIR हो। हम कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं, मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन है, और हम चेतावनी भी याद दे रहे हैं कि यदि शीघ्र इनको सर्वे करा करके मुआवजा नहीं दिया गया तो यहाँ पर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन भी आगामी रणनीति संयुक्त किसान मोर्चे की होगी।